बड़ी खबर, बागेश्वर धाम में महिला की मौत। बागेश्वर धाम में बीमार महिला की मौत हो गई। यूपी के फिरोजाबाद की रहने वाली थी ये महिला। एक महीने से बागेश्वर धाम में रह रही थी महिला। अंधविश्वास ने ले ली महिला की जान। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिला की जान अंधविश्वास ने ले ली, क्योंकि यही भरोसा रहा होगा कि बागेश्वर धाम में वो महिला बच जाएगी। अंधविश्वास ने क्या महिला की जान ले ली? बागेश्वर धाम में महिला की मौत। महिला बागेश्वर धाम में थी लगातार एक महीने से। बागेश्वर धाम में थी महिला, बागेश्वर धाम में बीमार महिला की मौत हो गई। परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। यूपी के फिरोजाबाद की रहने वाली थी ये महिला। डॉक्टर की जगह क्या बाबा पर भरोसा ज्यादा था? चमत्कार की आस क्या जिंदगी पर भारी पड़ गई? बागेश्वर धाम में महिला की मौत के बाद ये कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए आपने कई तस्वीरें देखी होंगी। वैसे भी बागेश्वर सरकार लगातार पिछले कुछ दिनों से खूब चर्चाओं में है। एक तरफ जहां हिंदू राष्ट्र की मांग कर खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंधविश्वास फैलाने के आरोप उनके ऊपर लगे। और अब जानकारी ये है कि बागेश्वर धाम में एक महिला थी बीमार महिला, एक महीने तक वहीं पर थी और अब उसकी मौत हो गई। क्या अंधविश्वास ने उस महिला की जान ले ली? ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या अंधविश्वास ने उसकी जान ली है? डॉक्टर की जगह पर क्या बाबा पर ज्यादा भरोसा था? अखिलेश सोलंकी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। अखिलेश, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। एक महीने से लगातार महिला वहां पर थी, ऐसी क्या परेशानी थी कि बागेश्वर सरकार पर उसे ज्यादा भरोसा था कि वहां उसकी जिंदगी बच सकती है और आखिरकार उसकी सांसें थम गई? बिल्कुल, महिला की मौत के बाद जो उसके पति का बयान आया, जो हमारे पास भी है, उसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पिछले 8 महीने से महिला जो थी किडनी से परेशान थी, किडनी पेशेंट थी जी। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और पिछले 1 महीने से जो उनका कहना है कि वो बागेश्वर धाम में गड़ा गांव में रह रहे थे और उनकी तबीयत में सुधार हो रहा था, ये उनका कहना है, जिसको देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। लेकिन कल अचानक जब वो पंडाल में बैठे हुए थे, महिला की तबीयत बिगड़ती है और वहां से बड़ी बात ये है कि कवर अप करने की कोशिश की गई, चीजों को छुपाने की कोशिश की गई। आनन फानन में जिला प्रशासन वहां से जिला अस्पताल में महिला को पहुंचाता है और 2 घंटे बाद कहते हैं कि वहां पर इलाज की बात होती है। और उसके बाद जैसे ही महिला की मौत होती है, जो पति है उसको यहां से रवाना कर दिया जाता है। पूरी तरह से इस पूरे मामले को कवर अप करने की, छुपाने की कोशिश प्रशासन ने की है, पुलिस ने की है, और ऐसा क्यों किया है ये बड़ा सवाल है। अगर आपके दामन में दाग नहीं है, आप अपनी तरफ से सही हैं, या दरबार में कोई भी आ सकता है बीमारी की वजह से, आस्था के कारण आ सकता है, अंधविश्वास आप कह लो या आस्था कह लो, लेकिन उसके बाद जिस तरह से चीजों को छुपाया गया, ये सवाल खड़े करता है जी। अच्छा, बड़ा सवाल यह है कि पुलिस महकमे की इन्वॉल्वमेंट यहां पर अब नजर आ रही है। जैसा आपने जिक्र किया, पुलिस महकमे का ऐसा क्या लगाव है बागेश्वर धाम में, बागेश्वर सरकार में? ऐसी कौन सी आस्था है कि वहां पर अगर एक महिला बीमार होती है तो वहां आनन फानन में कवर अप करने की चीजें कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से 13 तारीख से 19 तारीख तक बागेश्वर धाम में एक तरह से सम्मेलन चल रहा है और 18 तारीख को शिवरात्रि के दिन 125 लड़कियों की वहां पर शादियां होनी है, इस दौरान वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जो पूरा जिला प्रशासन है, पुलिस का महकमा है, वहां पर अलर्ट मोड में है, तो चीजें ना बिगड़ जाएं, अफरा तफरी का आलम ना बन जाए, ये कारण तो ये दिखता है। क्योंकि कल प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी वहां पहुंचे थे, मनोज तिवारी भी पहुंचे थे, लगातार नेताओं का जाना, कमलनाथ 2 दिन पहले पहुंचे थे, शिवराज जी भी वहां पर 18 तारीख को जा सकते हैं, कमिश्नर का दौरा कल वहां हुआ था, तो पूरा प्रशासन वहां पर अलर्ट है। मुझे लगता है इसी कारण से पुलिस का बाबा से लगाव हो ना हो, लेकिन व्यवस्था ना बिगड़े, ये पुलिस की मंशा रही होगी। लेकिन पुलिस पर भी सवाल या निशान है कि अगर चीजें बिगड़ रही थी, अचानक से महिला को वहां से हटाया जाता, और जैसा पति कह रहे हैं कि 2 घंटे का वक्त लग गया अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते, वहीं चीजें बिगड़ गई जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश।